वेलकम टू सस्ती रेसिपीज। मेरा नाम है आमिर और आज हम बनाने जा रहे हैं मैगी नूडल। जी हाँ, वो भी एकदम नए तरीके से। तो यहाँ पे हम अनियन एंड टोमेटो का यूज़ करेंगे और इसको मिक्स करके बनाएंगे हम मैगी नूडल्स, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाला है और ये सभी का फेवरेट होता है, बच्चे बड़े जो भी। अगर आपके पास घर में कुछ भी नहीं है खाने को तो बिल्कुल परेशान ना होइए, लाइए आप मैगी के पैकेट्स और इस रेसिपी को ट्राई करिए। यकीन मानिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगी। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होगी, यहाँ पे हमने 3 पैकेट्स मैगी के लिए हैं और यप्पी का मेरे पास एक पड़ा था, तो आप यहाँ पे चारों मैगी के यूज़ कर लीजिएगा, छोटे वाले पैकेट्स ही हैं मैगी के, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें करना है अपने अनियन एंड टोमेटो को कर लेना है चॉप। जी हाँ, टोमेटो अनियन को चॉप कर लेंगे और पैन में चढ़ा देंगे थोड़ा सा तेल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने तेल चढ़ा दिया है, अब इसको प्रॉपर अच्छे से फैला देते हैं पूरे पैन में और उसको चढ़ा देते हैं गर्म होने के लिए। तब तक फटाफट अपने टोमेटो से अनियन चॉप कर लेते हैं और चॉप करने के बाद इसमें सबसे पहले क्या डालेंगे हम, ज़ीरा। टोमेटो अनियन हमारे चॉप हो चुके हैं पूरे तरीके से और अब फटाफट ऑयल भी हमारा हो चुका है, इसमें डाल दिया ज़ीरा हमने। ज़ीरे को होने देते हैं अच्छे से, प्रॉपर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको। और जैसे ही हमारा ज़ीरा होगा, सबसे पहले हम इसमें अपने प्याज जो है वो डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ज़ीरा हमारा हो चुका है, फटाफट हम उससे अपनी जो भी अनियन है जो चॉप करके रखी थी, फटाफट हम इसमें डाल देते हैं। सारी अनियन को हम प्रॉपर डाल देंगे अच्छे से इसमें और इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर देंगे। हमने सारी अनियन डाल दी पूरी, अब फटाफट इसको स्पून की हेल्प से चला लेते हैं अच्छे से और इसको प्रॉपर हम गोल्डन ब्राउन करते हैं। तो फ्रेंड्स, अनियन हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है प्रॉपर तरीके से। अब इसमें फटाफट अपने टोमेटोज डाल देते हैं, जो टोमेटो हमारे बचे थे सारे टोमेटोज हम डाल देंगे इसमें और इसको प्रॉपर अच्छे से हम मुलायम होने देंगे, ठीक है। प्रॉपर अच्छे से गला लेंगे टोमेटोज को, अच्छे से चला लेते हैं इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से प्रॉपर इसको चलाएँगे। और जब प्रॉपर हमारे टोमेटोज जो हैं मुलायम पड़ जाएंगे, तब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी। सो फ्रेंड्स, टोमेटोज हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए, मुलायम पड़ गए, अब फटाफट हम इसमें पानी डाल देते हैं। कम से कम 1 गिलास हम इसमें पानी डालेंगे भर के और इसको अच्छे से चला देंगे। और थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक भी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे सब्ज़ी थोड़ी सी बढ़ाई है, टोमेटो अनियन बढ़ाया है, तो जो मैगी मसाले में जो नमक होता है वो हमारा कम पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा नमक ऐड करेंगे हम और वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा जितना भी आप लेते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा कर रहे हैं, बिल्कुल 3 पिंच के अबाउट हम नमक डालेंगे यहाँ पर और उसके बाद उसको अच्छे से होने देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे पानी थोड़ा सा कम था तो थोड़ा सा पानी हम और ऐड कर लेते हैं इसमें, 1/2 गिलास के करीब हम पानी और डाल लेते हैं। और ये मैगी हमने सारे खोल लिए हैं, अच्छे से ओपन कर लिए हैं और फटाफट इसमें से जो भी मसाले निकले थे, अगर आप मिर्च मसाला कम खाते हो तो 1-2 पैकेट आप रोक लेना, अदरवाइज़ आप सारे मसाले के पैकेट इसमें डाल देना, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 पैकेट कम डाल रहे हैं, आप चाहो तो सारे डाल सकते हो, ठीक है। फटाफट हम इसमें सारा मसाला डाल देंगे मैगी का जितना भी निकला है और उसके बाद इसको अच्छे से चला देंगे। ये लास्ट पैकेट भी डाल देते हैं इसमें और उसके बाद अच्छे से इसको प्रॉपर हम चला देते हैं। प्रॉपर चलाने के बाद इसमें जो भी हमारे मैगीज हमने ओपन करके रखे थे, सारे नूडल्स हम इसमें डाल देंगे तोड़ के। फटाफट इसमें सारे नूडल्स डाल देते हैं तोड़ के, थोड़े से टुकड़े करके डालिएगा ताकि ये आसानी से प्रॉपर हो जाए अंदर तक। और जितने भी नूडल्स हैं सारे डाल के एक बार प्रॉपर हम इसको चला देंगे मसाले के साथ में। सारे नूडल्स तोड़ लेंगे इसी तरीके से, ये डाल दिया हमने सब, ठीक है। अब इसको प्रॉपर एक बार अच्छे से चला देंगे, अच्छे से चलाते रहिए उसको, अच्छे से प्रॉपर मसाले के साथ मिक्स कर दीजिए। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके लेट को बंद कर देंगे कुछ देर के लिए। नूडल्स हमारे अच्छे से मिल चुके हैं प्रॉपर तरीके से, अब फटाफट इसके लेट को बंद कर देते हैं और 5 मिनट इसको थोड़ा सा अंदर होने देंगे, गलने देंगे। सो देखते हैं 5 मिनट के बाद इसका स्टेटस। सो फ्रेंड्स, 5 मिनट्स हो चुके हैं, फटाफट चेक कर लेते हैं अपने नूडल को। भाई बहुत अच्छी स्मेल निकल रही है, बिल्कुल भाई मज़ा आ गया, मन तो कहा है बस फटाफट इसको खाना शुरू कर दें। चलिए भाई फ्रेंड्स, एक बार इसको अच्छे से प्रॉपर चला लेते हैं और सर्विंग बॉल में निकाल के आपको दिखा देते हैं करीब से। बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है फ्रेंड्स, बिल्कुल इस रेसिपी को आप ट्राई करिएगा घर पे।
सो फ्रेंड्स, हमारी ये टमाटर और प्याज वाली मैगी पूरे तरीके से तैयार है। सर्विंग बाउल के अंदर बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, और आगे अच्छे अच्छे और इससे बड़े बड़े रेसिपीज़ हम आपके लिए लाएंगे। प्लीज़, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं करा है सब्सक्राइब, तो फटाफट सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नई रेसिपी लेके।